एक बार फिर से सबको गुड आफ्टरनून। और अभी हम लोग बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन की, यानी कि कंप्यूटर क्या होता है। तो कंप्यूटर का कोई मुझे हिंदी नाम बता देना कि कंप्यूटर को एक्चुअली हिंदी में क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर जो है दो शब्दों से मिलके बना है, कंप्यूट प्लस अर। अर का मतलब होता है वाला, ठीक है। तो टास्क, कोई काम, टास्कर काम करने वाला, तो इंग्लिश में अर लगा दिया जाता है, मतलब जो काम वो करता है। और कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना। तो एक ऐसी डिवाइस जो गणना करती है, लॉजिक लगाती है, वो कंप्यूटर कहलाती है। ज़रूरी नहीं कि आपकी डेस्क पे जो पड़ा है वो कंप्यूटर है, आपका फ़ोन भी एक प्रकार का कंप्यूटर है, आपका कैलकुलेटर भी एक प्रकार का कंप्यूटर है, आपकी स्मार्ट वॉच भी कंप्यूटर है, आपके घर में जो स्मार्ट टीवी रखी है वो भी एक प्रकार का कंप्यूटर है। जहाँ पर भी चिप लगी हुई है, जहाँ पर भी गणना हो रही है, यहाँ तक कि जिस मीटर से आप अपने बाइक में हवा भरते हैं और उसमें नापते हैं, वो भी एक प्रकार का कंप्यूटर है, क्योंकि वो भी एक गणना कर रहा है। तो ये जो सबसे कॉम्प्लेक्स रूप जो कंप्यूटर का है, वो कंप्यूटर जो हमारे डेस्क पे रखा रहता है, जिससे हम प्रिंट आउट वगैरह निकलवाते हैं। बट ये कोई भी मशीन आपके घर में है जिससे कुछ गणना होती है, चाहे वो रेगुलेटर ही क्यों ना हो आपके फ़ैन में लगा हुआ, वो भी एक प्रकार का कंप्यूटर है। तो यहाँ काफ़ी बच्चे हैं जो हिंदी मीनिंग बता रहे हैं, इसलिए हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं संगणक। संगणक मतलब जो गणना बहुत अच्छे से कर लेता है। आपके स्टेबलाइजर में लगा मीटर भी एक प्रकार का स्टेबलाइजर भी जो है, एसी या आपके टीवी में लगा हुआ, वो भी एक प्रकार का कंप्यूटर है, ठीक है। तो क्या है भाई कंप्यूटर? कंप्यूटर एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और उसमें कुछ निर्देश दिए जाते हैं, और उन निर्देश को वो प्रोसेस करता है, उनकी गणना करता है, और बाहर उसका आउटपुट दिखाता है। और अगर ज़रूरत हो तो उस जो उसको इनपुट दिए जाते हैं उसको सेव करके भी वो रख लेता है। जैसे मान लीजिए आपके घर में एक टीवी लगी हुई है, इस टीवी में आप इनपुट दे सकते हो। कोई बताएगा भाई कि टीवी के अंदर इनपुट आप कैसे देते हो? मान लो आपको इस टीवी का वॉल्यूम बढ़ाना है, मान लो आपको इस टीवी का जो वॉल्यूम है वो फुल करना है, तो आप इसमें अपने रिमोट कंट्रोल से वॉल्यूम को बढ़ाते हो, यानी आप इनपुट दे रहे हो। और ये कुछ आउटपुट देता है आपको। आउटपुट क्या होता है? स्पीकर की आवाज़ जो है वो बढ़ जाती है, और टीवी को ऑफ करके जब ऑन करते हो तब भी आपको आवाज़ फुल ही मिलती है। उसका रीज़न ये है कि इसमें एक मेमोरी भी है जो आप इनपुट दे रहे हो उसको सेव करके रख भी ले रही है। तो यही चार पांच चीज़ें मिला के हमारा पूरा आईसीटी बना हुआ है। हम लोग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की बात करते हैं, मेमोरी किस किस टाइप की होती है, प्राइमरी सेकेंडरी उसकी बात करते हैं, और ये गणना कैसे होती है, क्या सीपीयू होता है, कैसे काम करता है, इसकी बात करते हैं, ठीक है। हाँ, तो यही है हमारा कंप्यूटर। और उसके बाद जो फंक्शनलिटीज़ हैं वो यही है कि डेटा लेता है सबसे पहली चीज़, दूसरी डेटा को स्टोर करता है, तीसरी डेटा को प्रोसेस करता है, और चौथी उससे आउटपुट निकालता है। इन सब में हमारा जो हार्डवेयर चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा आने वाले जो हमारे लेक्चर्स हैं उसमें हम लोग देखेंगे। तो कौन से फुल फॉर्म्स पूछे गए थे पिछले साल? लेटेस्ट हमारा जो पेपर हुआ था जून में, उसमें हमारे फुल फॉर्म्स आए थे ALU, UPS, CD-ROM, GUI, BIOS, ISP और GIF। इनकी हम लोग बात करेंगे, इनसे साथ में जुड़े हुए कंसेप्ट्स की भी हम लोग बात करेंगे। इसके फुल फॉर्म की तो हम लोग बात ही करेंगे, लेकिन ये है क्या और इसके रिलेटेड कंसेप्ट्स क्या हैं, उनकी भी हम लोग इस लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो मैंने, आप सबको पता है कि अब कई शिफ्ट में नेट का पेपर होता है, और जितने सारे पेपर होते हैं वो सारे पेपर मैंने पढ़े हैं, उन सबके आंसर्स मैंने मिलाए हैं आंसर की में, क्वेश्चन आईडी और आंसर आईडी वगैरह देख करके, और मैंने सारे क्वेश्चन छांट करके ये आपके लिए एक अलग अलग वीडियोस बनाए हैं। तो काफ़ी मेहनत लगी है, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा और काफ़ी आप लोगों को जानकारी इससे मिलेगी। तो सबसे पहला हमारे पास ये टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है ALU, यानी कि अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट। तो अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट को जानने से पहले हम लोग जानते हैं CPU को, जिसका फुल फॉर्म है प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि जो प्रोसेस, जो गणना का काम हमारे कंप्यूटर में है वो यही करता है। इसका मतलब कि ये जो है दिमाग है हमारे कंप्यूटर का। अगर हम कंप्यूटर की तुलना अपने शरीर से करें तो हम CPU की तुलना दिमाग से कर सकते हैं, क्योंकि सोचने समझने का काम यही करता है। इसके कई भाग होते हैं, और इसके बेसिकली अगर देखा जाए तो तीन भाग होते हैं, जिसमें पहला है ALU, दूसरा है CU और तीसरा है MU। तो पहला है ALU यानी कि अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट, गणित लगाने का काम ये वाला हमारा भाग करता है। दूसरा है CU यानी कि कंट्रोल यूनिट,
सारे मशीन को नियंत्रित करने का काम ये करता है, और तीसरा है मेमोरी यूनिट यानी कि कुछ स्टोरेज जो करना है उसका काम ये करता है। इन तीनों में जो गणना का सबसे मेन काम है वो ALU ही करता है। अब इसका फुल फॉर्म क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसका क्या मतलब है, क्या जब हम कुछ कैलकुलेशन करते हैं अपने कंप्यूटर में या मशीन में तभी ये काम आता है? नहीं, आप कुछ भी अपने फ़ोन में करें, अपने कंप्यूटर में करें, चाहे आप ये वीडियो ही क्यों ना देख रहे हों, आपका जो डिवाइस है निरंतर कुछ ना कुछ गणनाएं कर रहा है अरबों खरबों की डिजिट्स में। तो इसमें आपका ये प्रोसेसर यूज़ होता है, इसलिए आप देखते हो कि जो प्रोसेसर जितना स्ट्रांग होता है, आप लोग कभी फ़ोन लेते होगे तो उसमें आपको बोला जाता होगा इसमें स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है, इसमें मीडियाटेक का प्रोसेसर है, इसमें लेटेस्ट प्रोसेसर आया है। तो प्रोसेसर क्यों अच्छा होना ज़रूरी है, क्योंकि जितना अच्छा प्रोसेसर होगा उतना ये पार्ट उसका स्ट्रांग होगा, और जितना तेज़ गणना करेगा, इसका मतलब क्या, जितनी तेज़ बुद्धि होगी आपके प्रोसेसर की उतना फ़ोन आपका फास्ट चलेगा। ठीक है जी, तो ये है हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये एक कंप्यूटर प्रोसेसर जो है हमारा, जनरल भाषा में CPU को हम लोग प्रोसेसर कहते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। हम लोग जब भी मार्केट में जाते हैं कुछ भी सामान लेते हैं तो हम कहते हैं भाई हमको प्रोसेसर खरीदना है, बट इसका जो एकेडमिक टर्म है वो CPU है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये जो है आपके सारे के सारे गणित के फॉर्मूले लगाता है, प्रोसेसर करता है, और इसके बाद आपको जो है आउटपुट दिखाता है। इसके अलावा ALU के साथ इसमें लॉजिक यूनिट भी होता है, और जैसे कि आप पीछे यहाँ पे देख पा रहे हैं CPU है जिसमें कंट्रोल यूनिट और हमारा ALU है, और इसके साथ मेमोरी यूनिट भी जुड़ा हुआ है जो कि मेमोरी को संभालने का और स्टोर करने का काम करता है। सर CPU को माइक्रो प्रोसेसर भी बोल सकते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, ये है प्रोसेसर, और अगर प्रोसेसर किसी डिवाइस में बहुत छोटा सा लगा हुआ है, उसका साइज बहुत छोटा है, तो आप उसको माइक्रो प्रोसेसर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो रिलेटेड टॉपिक्स भी इसके साथ देख लेते हैं। जैसे कि हमने बात कर ली, एक है हमारा CU कंट्रोल यूनिट, जो कि अगर आप ध्यान से फंक्शनलिटी देखें इस चित्र में दिखाई जा रही है, बीच में आपका CPU है, ये इनपुट को लेता है यानी कि कोई जब संदेश हम देते हैं तो उसको लेता है और फिर आउटपुट दिखाता है। जैसे मान लीजिए आपका फ़ोन है, आपने क्या इनपुट दिया, ओपन यूट्यूब, तो ओपन यूट्यूब का आप कैसे देते हो इनपुट, टच से देते हो। आप टच करते हो किसको, एक YouTube का आइकन होता है आपके फ़ोन पे, उसको आप टच करते हैं, इसका मतलब कि आपने इनपुट दिया ओपन YouTube। CPU ने दिमाग लगाया क्या बात हो रही है और आउटपुट आपको दिया। आउटपुट क्या आया, YouTube की ऐप आपके सामने ओपन हो गई और ये वीडियो चलने लगा। सिंपल सी बात है, तो हर कंप्यूटर ऐसा ही होता है। तो ये जो कंप्यूटर है CPU जो है, इसमें एक तो गणना करने वाला पार्ट है जिसकी हमने बात करी, और उसके बाद दूसरा पार्ट है जो कि क्या इनपुट आ रहा है, क्या आउटपुट जा रहा है, उस पर कंट्रोल रखता है, इसीलिए इसका नाम है कंट्रोल यूनिट। और तीसरा यूनिट जो है जो डेटा को स्टोर करता है, डेटा को कई तरीके से स्टोर करा जा सकता है, जैसे आपका जो यूट्यूब ऐप है वो भी कहीं पर स्टोर्ड है। ठीक है, तो क्या चीज़ कहाँ स्टोर होनी है, जितना भी स्टोरेज से रिलेटेड जो दिमाग है वो हमारा मेमोरी यूनिट लगाता है, और स्टोर होता है हमारा इंटरनल जो मेमोरी है, स्टोरेज है, उसके अंदर हमारा ऐप स्टोर होता है। तो ये तीन चीज़ें हैं जिससे मिल करके आपकी पूरी डिवाइस बनी रहती है। ठीक है, अगला फुल फॉर्म हमारा है यहाँ पे UPS का। तो UPS का फुल फॉर्म है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। तो आप सबको पता होगा, ऐसा कोई बच्चा है जिसको UPS नहीं पता है, आई होप सबको पता होगा। UPS जो है, जब आपके यहाँ लाइट चली जाती है, जब लाइट नहीं आती है, तो UPS जो है फिर भी पावर आपका बनाता है, फिर भी पावर बनाता है, बिकॉज इसके अंदर बैटरी लगी होती है, इस बैटरी से ये पावर बनाता है, ताकि कंप्यूटर जो है पावर कट हो जाने से, लाइट चली जाने से अपने आप बंद ना हो जाए, उसमें जो आप काम कर रहे हो वो आपका वेस्ट ना हो जाए, इसलिए ये पावर सप्लाई देता रहता है, लाइट चली जाती है फिर भी। एक प्रकार का इन्वर्टर है ये, एक प्रकार का इन्वर्टर है। आजकल सबके घर में इन्वर्टर होता है, तो UPS की ज़रूरत नहीं है इन्वर्टर अगर है तो। पहले ज़माने में जो इन्वर्टर नहीं था और कंप्यूटर बड़े बड़े होते थे, लैपटॉप नहीं होते थे, तो उसमें बैटरी वाला ये UPS लगाना पड़ता था। और क्या कोई बताएगा मुझे कमेंट में कि क्या लैपटॉप के लिए इन्वर्टर की ज़रूरत है या नहीं है,
या है तो क्यों है ज़रूरत, या नहीं है ज़रूरत तो क्यों ज़रूरत नहीं है, ये मुझे आप लोग कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। ठीक है जी, अगला हमारा टॉपिक है CD-ROM। CD-ROM का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ध्यान दीजिएगा, रोम जो लिखा है इसका फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, और CD जो लिखा है इसका फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क। अब ये क्या होता है, ये एक प्रकार की मेमोरी है। मेमोरी का अर्थ आपको पता होगा, बचपन से आप लोग पढ़ाई करते हुए आ रहे हो और आपकी मेमोरी को बड़ा शार्प करने की कोशिश की जा रही है। तो हमारी इंडियन पढ़ाई ऐसे ही है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ये भी दिमाग में डालो, वो भी दिमाग में डालो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, क्या कहाँ हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो आपके दिमाग में भी एक सर्टन मेमोरी है, इसका मतलब कि जब आपको किसी संदेश या किसी जानकारी की ज़रूरत हो तो आपकी मेमोरी में आपने रट करके जो डाला है उसको आप फिर से यूज़ कर सकते हो। इसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर भी एक प्रकार की मेमोरी होती है जिसमें डेटा आप स्टोर करके रख सकते हो। ये कई प्रकार की होती हैं जिनमें से एक प्रकार है कॉम्पैक्ट डिस्क। एक प्रकार की CD है, मूवीज़ देखने के काम बहुत ज़्यादा आती थी पहले ज़माने में, अब तो काफ़ी बच्चे नहीं यूज़ करते होंगे इसको। ओके, लैपटॉप में इनबिल्ट बैटरी होती है। हाँ बिल्कुल, लैपटॉप में अपना UPS लगा होता है, लेकिन जो डेस्कटॉप है उसके लिए हमको UPS की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का, चलिए बहुत बढ़िया जी। हाँ चलिए, तो CD की अब हम लोग बात करते हैं। कमेंट में बताना कौन है जो अभी तक CD यूज़ करता है, क्योंकि कुछ लोग यूज़ करते होंगे, अभी भी CD चलन में है, लेकिन अब CD चलन में बहुत ज़्यादा जा चुकी है। तो ये एक प्रकार की मेमोरी है, ये जो गोल डिस्क देख रहे हो ये गोल गोल घूमती है जब अपने कंप्यूटर के अंदर डालते हो, और इसमें जो संदेश होता है वो कंप्यूटर पढ़ पाता है। अब ये दो प्रकार की होती है CD, आपकी दो प्रकार की होती है, एक होती है ROM और एक होती है RW। ROM का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, RW का मतलब है रीराइटेबल। तो रीड ओनली मेमोरी मतलब है कि जो CD में लिखा है वही आप उसमें उसको एक्सेस कर सकते हो, अपनी ओर से कुछ डेटा नहीं डाल सकते। तो जैसे पेन ड्राइव हमारे पास होती है, पेन ड्राइव में आप कुछ भी डाल दो, कुछ भी डिलीट कर दो, वो हो जाता है। लेकिन CD में जो मूवी डली है, जो पिक्चर डली है, जो डेटा डला है, उसको आप अगर डिलीट नहीं कर पाते तो वो CD ROM होती है। लेकिन कुछ ऐसी CDs भी आती हैं जिसका डेटा आप डिलीट करके नया डेटा भी डाल सकते हो, वो CD RW कहलाती हैं। तो CD ROM ये हमारा फुल फॉर्म पूछा गया था इस बार। DVD पहले यूज़ करते थे, ओके। हाँ बिल्कुल, CD में मेमोरी लाइफ टाइम रहती है, कहीं जाती नहीं है। बस CD में प्रॉब्लम ये आती है कि CD ज़्यादा चला के CD के ऊपर स्क्रैचेस आ जाते हैं। तो अगर CD में स्क्रैच आ गए हैं, आप सबने भी नोटिस किया होगा जिन्होंने CD यूज़ करी है, कि CD आपने अगर इधर उधर फेंक दी उस पर स्क्रैच आ जाएंगे तो वो CD प्रॉपरली काम नहीं करती है, उसके सीन्स पिक्चर के जो होते हैं वो बिखरने लगते हैं। तो इसमें एक दिक्कत होती है कि आपको बहुत संभाल के रखनी होती है। हार्ड डिस्क जो अब नई टेक्नोलॉजी है या पेन ड्राइव है, वो आप कहीं पे भी फेंक दें, कभी कभी पानी में भी चली जाती है, तो आप सुखा करके यूज़ कर सकते हैं उसको। हाँ अब सब जो है पेन ड्राइव मैन लगा है, पेन ड्राइव ने रिप्लेस कर दिया है इसको। चलिए अगला एब्रीवेशन हम लोग देखते हैं, तो यार रिलेटेड टॉपिक्स हम लोग देख लेते हैं। तो पहले ज़माने में CD आता था, CD को रिप्लेस करा यहाँ पे डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क ने। इसके अंदर मेमोरी ज़्यादा होती थी, इसमें लगभग 480 MB मेमोरी होती थी, लगभग 500 MB मान लो। इसमें 5 GB मेमोरी आ गई, तो एक DVD के अंदर 4-5 मूवीज़ आ जाती थी। पहले ज़माने में जो CD आती थी तो 2 CD में एक मूवी कंप्लीट होती थी, DVD जब आ गई तो एक DVD में 5 पिक्चरें आने लगी, तो इसमें डेटा आप ज़्यादा डाल सकते थे। फिर हमारी ब्लूरे आ गई, ब्लूरे में हम ऑलमोस्ट 25 GB हमारी स्टोरेज होती थी, बट ब्लूरे हमको ज़्यादा देखने को मिली नहीं। ब्लूरे आने से पहले पेन ड्राइव वगैरह आ गई, तो CD DVD तो हम लोग के पास प्लेयर्स हुआ करते थे। ठीक है ओके, उसके बाद हम लोग बात करते हैं GUI यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की। कोई बच्चा है जिसको ये GUI या ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या होता है नहीं पता हो,
सबसे पहले हम लोग इसमें बात करते हैं यूज़र इंटरफेस की, जिसको शॉर्ट में कहते हैं यूआई। अगर आपने कोई फ़ोन ख़रीदा है या फ़ोन का रिव्यू देखा है तो उसमें बोला जाता है कि ये वन प्लस का फ़ोन है, इसमें ऑक्सीजन यूआई है, ये रेडमी का फ़ोन है, इसमें मी यूआई है, रेडमी के फ़ोन में मी यूआई होता है। तो इस प्रकार से जैसे सैमसंग के फ़ोन में वन यूआई होता है, तो ये यूआई शब्द आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। यूआई का मतलब होता है यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस का मतलब है कि मशीन से जब आप इंटरैक्ट करते हो, यानी कि मशीन में जब आप कोई ऑर्डर देते हो कि आपको कौन सी ऐप चलानी है, क्या करना है, तो आपके सामने जो चीज़ें बन करके आ रही हैं उसको यूज़र इंटरफेस कहते हैं। जैसे एंड्रॉयड का यूज़र इंटरफेस अलग है क्योंकि एंड्रॉयड में आइकन अलग तरीके से आते हैं। आईफोन का यूज़र इंटरफेस अलग है क्योंकि आईफोन में हमारा iOS डला हुआ है, तो इसको हम लोग यूज़र इंटरफेस कहते हैं। अब यूज़र इंटरफेस दो प्रकार के हो सकते हैं, तो जितने भी फ़ोन्स में अलग अलग यूज़र इंटरफेसेस हैं ये सारे एग्जांपल हैं GUI के, यानी इन सब में आपको ग्राफिक्स दिखाई देते हैं। हर फ़ोन में थोड़ा आइकन डिज़ाइन अलग होता है, थोड़ा सिस्टम अलग होता है चीज़ों से इंटरेक्ट करने का, आईफोन में अलग, एंड्रॉयड में अलग, और ये सारे ग्राफिक्स, लेकिन होते सब में ग्राफिक्स ही हैं कि आपको कुछ आइकन दिखाई दे रहे हैं, उन आइकन को क्लिक करके आप अपना काम करवा सकते हो। लेकिन पहले ज़माने में इतनी तरक्की नहीं हुई थी, इतना ग्राफिक्स दिखाने के लिए भी बहुत मेमोरी की ज़रूरत होती है, तो जो पुराने ज़माने के कंप्यूटर थे उनमें इतना मेमोरी, मतलब डिज़ाइनिंग में ही इतनी मेमोरी लगा देना कोई समझदारी की बात नहीं थी, क्योंकि उस समय मेमोरी बहुत महंगी होती थी, प्रोसेसर भी बहुत स्लो होते थे। तो जैसे आप देखते हो, जैसे जैसे आपकी डिवाइस नई होती जा रही है, आपका जो इंटरफेस है बड़ा स्टाइलिश होता जा रहा है। जैसे पहले ज़माने में आप लोग विंडोज़ XP किसने चलाया कॉमेंट में बताना, किसने विंडोज़ XP और विंडोज़ 8 देखा है, या विंडोज़ 7 किसने देखा है, बहुत लोगों ने विंडोज़ 7 देखा होगा। तो अब जो विंडोज़ 10 आता है उसका डिज़ाइन बहुत बेटर लगता है, बहुत सुंदर लगता है देखने में, विंडोज़ XP उतना सुंदर नहीं लगता था। तो अब आप देख रहे हो कि जैसे जैसे कंप्यूटर स्ट्रांग हो रहा है, हम लोग डिज़ाइनिंग में डिज़ाइन उसकी बहुत अच्छी करते जा रहे हैं, और ये जो नए डिज़ाइन के सॉफ्टवेयर है पुराने कंप्यूटर्स पे नहीं चलेंगे सही से, क्योंकि पुराने कंप्यूटर में ग्राफिक्स बहुत अच्छे नहीं होते थे, थोड़े कार्टूनी से लगते थे। अब बहुत, मतलब हर डिवाइस सुंदर लगती है बहुत देखने में, आप कंप्यूटर कोई टैबलेट उठाइए, कोई फ़ोन उठाइए, तो ये धीरे धीरे सुंदर होता चला जा रहा है। तो ये सारे ग्राफिक्स बहुत अच्छे क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हमारी जो प्रोसेसिंग पावर है अच्छी होती जा रही है मशीनों की, पहले ज़माने में इतनी अच्छी नहीं होती थी। तो पहले ज़माने में ग्राफिक्स में तो मेमोरी स्पेंड करना मतलब बर्बादी करना, क्योंकि इतनी महंगा ऑलरेडी है कंप्यूटर। तो पहले ज़माने में आप ग्राफिक्स से यूज़ करके इंटरफेस नहीं आपका होता था, कमांड लाइन का आप यूज़ करते थे, यानी कि कमांड देते थे, यानी कि आपको कोई फोल्डर बनाना है तो आप एक सर्टन कमांड टाइप करोगे कीबोर्ड से कि MK यानी मेक और फोल्डर का नाम, या आपको किसी ड्राइव में जाना है तो CD स्पेस उस ड्राइव का नाम। तो उसके लिए आपको कंप्यूटर, ऐसा नहीं कि कोई भी चला सकता था, उस समय आपको एक सर्टन कोर्स करना पड़ता था जिसमें आपको ये सारे कमांड लर्न करने पड़ते थे, और जिसको ये सर्टन नॉलेज है वही कंप्यूटर को केवल चला सकता था। तो पहले ज़माने का इंटरफेस क्या था, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, कीबोर्ड का प्रयोग करके सर्टन कोड लिख करके आप कंप्यूटर को आदेश देते थे, जबकि आज ये GUI में बदल गया है, यानी कि आज एक छोटा बच्चा भी एंड्रॉयड फ़ोन को चला लेता है। तो आप सबने नोटिस किया होगा आजकल के बच्चे जो हैं वो फ़ोन लेते हैं और उनको पता होता है कि उसको कैसे चलाना है, और हम लोग भी थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि भाई इसको कैसे पता कि YouTube के वीडियो को ऐसे फुल स्क्रीन करना है, उनको ये भी पता होता है, क्योंकि GUI बहुत सरल होता है, रियल लाइफ से सिमुलेटेड करके उसको बनाया जाता है कि बच्चा बच्चा समझ जाता है कि ग्राफिक्स को टच करके, उसको ऊपर नीचे करके हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, अभी भी विंडोज 7 अल्टीमेट्स से कर रहा हूँ। अच्छा, काफ़ी बच्चे हैं विंडोज 7 रखा हुआ है। ओके, लाइक ग्राफिक कार्ड्स? नहीं बेटा, ग्राफिक कार्ड अलग है, इसी ग्राफिक्स को और ज़्यादा इंटेंस चलाने के लिए एक अलग से हार्डवेयर लगता है, उसको ग्राफिक कार्ड कहते हैं, वो इससे अलग है। ठीक है, हाँ, तो चलो, तो यही है, एक है हमारा GUI जिसमें ग्राफिक्स बन के आते हैं, जैसे पीछे आप देख सकते हो विंडोज 8 का एक सीन लगा है, और एक होता है CUI। तो CUI का कोई जल्दी से बता सकता है कि CUI जो है हमारा, इसका कोई एग्जांपल, कि विंडोज़ की अगर हम लोग बात करें तो विंडोज़ में जो CUI इंटरफेस है वो क्या होता है, कोई बता सकता है?
जल्दी से बताना। और अगर हम लोग मैक की बात करें या लिनक्स की बात करें तो जो उसका CUI इंटरफेस होता है उसका नाम क्या होता है? हाँ, छोटे बच्चे जिनको बोलना भी नहीं आता उनको मोबाइल में यूट्यूब चलाने आता है, ठीक है। तो विंडोज़ का ध्यान देना, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, एमएस डॉस विंडोज़ में चलता है, ठीक है जी। इसमें आप कमांड दे करके वो सारे काम कराते हो जो आप नॉर्मली विंडोज़ लैपटॉप पे ग्राफिक यूज़र इंटरफेस का प्रयोग करके करते हो। और मैक या लिनक्स में हमारा होता है टर्मिनल, ठीक है। तो ये वर्ड्स आ जाते हैं बीच बीच में कभी कभी किसी किसी ऑप्शन में, तो आपको एटलीस्ट पता होने चाहिए कि एमएस डॉस और टर्मिनल क्या होता है, ठीक है। तो पहले ज़माने में आप देख सकते हो ये स्क्रीन आपके दी है, कुछ ऐसा एम एस डॉस दिखता है और इस पर आप कमांड लाइन इंटरफेस आपका है, कमांड देख लाइन पे टाइप करके कमांड देते हो फिर आपका कंप्यूटर काम करता है। अगला क्वेश्चन है, बायोज आया था हमारे पास कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका फुल फॉर्म है, और बायोस क्या होता है अब हम इसको समझेंगे। तो क्या किसी ने अपने लैपटॉप पर ऐसी स्क्रीन देखी है और देख के घबराहट हुई है? बहुत बच्चों ने तो नॉर्मली देखी होगी, बहुत बच्चों को ऐसी स्क्रीन देख के घबराहट हो जाती होगी कि हमारा विंडोज़ तो चला नहीं, ये ऐसी कौन सी स्क्रीन आ रही है जिस पर कुछ सर्टन चीज़ें लिख करके आ रही। बायोस इज़ अ टाइप ऑफ CUI, हाँ, बायोस में जो भी आप एडिट करते हो वो कमांड के थ्रू ही करते हो, ठीक है। तो एक प्रकार का CUI कह सकते हो। ठीक है, तो चलो क्या होता है बायोस इसको समझते हैं। तो देखो, आपका जो हार्डवेयर है, और हार्डवेयर का मतलब आपका जो कंप्यूटर है, लैपटॉप है या फ़ोन है, इसमें आपके अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम चलते हैं। लैपटॉप की बात करो तो विंडोज़ चल रहा है, फ़ोन की बात करो तो एंड्रॉयड चल रहा है। लेकिन ये एंड्रॉयड या विंडोज़ जो है ये आपके मेन प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर आप दूसरी ऐप्स को डाउनलोड करते हो। लेकिन इससे पहले भी एक और सॉफ्टवेयर डला होता है जिसको हम बायोस कहते हैं। बायोस प्राइमरी सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। जब भी आप कोई मशीन ऑन करते हो तो सबसे पहले बायोस ऑन होती है, ठीक है। वो बायोस देखती है कि क्या सब काम कर रहा है, हार्डवेयर वगैरह सब पे कंट्रोल है। जब हार्डवेयर को चेक कर देता है कि हाँ भाई काम कर रहा है, तो उसके बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडोज़ या एंड्रॉयड लोड होता है। और ये जो बायोस है ये आपके हार्डवेयर में एक चिप लगी होती है, मेमोरी चिप लगी होती है, जिसको हम कहते हैं रोम या रीड ओनली मेमोरी। इसमें जो प्रोग्रामिंग डली रहती है उसको हम बायोस कहते हैं। ये बायोस बहुत ज़रूरी है किसी हार्डवेयर को चलाने के लिए, क्योंकि एंड्रॉयड विंडोज़ उसका नंबर बाद में है। क्लोजली हार्डवेयर को चलाने के लिए पहले बायोस होती है जो कि चेक करती है कि सब चीज़ें सही से प्रॉपर लगी हैं, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन होता है। कभी कभी आप कंप्यूटर चलाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका मतलब विंडोज़ ऑन ही नहीं होता और पूरी काली स्क्रीन आ जाती है और उसमें कुछ लिख के आता है कि कुछ एरर आ गया है, तो वो चीज़ जो है वो आपका बायोस हैंडल कर रहा है, उसने ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चलाया क्योंकि पहले ही उसके अंदर फॉल्ट आ गया है। तो इसीलिए इसका नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी कि जो भी हार्डवेयर आपके पूरे मशीन में लगा हुआ है, चाहे वो इनपुट का हो चाहे वो आउटपुट का हो, उसको बांधने का काम बायोस करता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल एंड एमएस डॉस? प्लेटफॉर्म का अंतर है। मैक या लिनक्स में एमएस डॉस नहीं होता है। मैक लिनक्स में अगर आपको CUI यूज़ करना है तो टर्मिनल होता है, और विंडोज़ में अगर आपको CUI यूज़ करना है तो विंडोज़ का CUI एमएस डॉस होता है। सी प्रोग्रामिंग के टाइम भी ऐसा आता है क्योंकि सी प्रोग्रामिंग आपकी CUI पे चलती है, उसमें भी आपको कमांड देने पड़ते हैं। बहुत बार ऐसी स्क्रीन आती है, जी हाँ, UGC नेट पेपर उनका लेक्चर है ये। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की बात करते हैं, रोम की। इससे एसोसिएटेड है, रोम का फुल फॉर्म है हमारा रीड ओनली मेमोरी। तो जो भी हार्डवेयर आपके पास है, कोई भी मशीन आपकी है, उसमें कुछ सर्टेन कमांड्स डले होते हैं, सर्टेन कोड्स डले होते हैं, किसके लिए? ताकि जो आपका हार्डवेयर है ये प्रॉपर फंक्शनिंग कर पाए। तो हर हार्डवेयर में
एक रोम की चिप जरूर लगी रहती है, ठीक है जी। इसके अंदर कुछ ऐसी कोडिंग है जो हार्डवेयर को चलाने के लिए ज़रूरी है और यूज़र उसको एडिट नहीं कर सकता, तो ये नॉन एडिटेबल है। इसलिए रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, केवल आप रीड कर पाएंगे, यानी कि केवल जो कमांड है वो एग्जीक्यूट हो पाएगा लेकिन उसमें एडिटिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी छेड़छाड़ आपने रोम से करी तो आपकी पूरी मशीन ख़राब हो जाएगी। जब मशीन सही रहेगी, हार्डवेयर सही रहेगा, लेकिन उसको चलाने वाले जो निर्देश हैं वही वहाँ से चले गए, तो कैसे वो मशीन चलेगी? एक तरीके से ख़राब ही आप उसको समझो। इसलिए रोम को ऐसा डिज़ाइन करा गया है कि हम लोग एंड यूज़र्स जो हैं ये इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इसीलिए इसका नाम है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ओके, अगला हम लोग बात करते हैं ISP। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वह कंपनी है जो कि आपको इंटरनेट प्रोवाइड कराती है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट बताओ कि आपका ISP क्या है। काफ़ी लोगों का जियो होगा, जितने बच्चे ये देख रहे हैं वीडियो, आप सबका मुझे लगता है 90% लोगों का जियो ISP होगा। काफ़ी लोग का एयरटेल हो सकता है, काफ़ी लोग का कोई लोकल वाईफाई प्रोवाइडर हो सकता है, काफ़ी लोग का जो जियो फाइबर आया है वो हो सकता है। तो इस ISP का सिंपल इतना मतलब है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और ये पिछली बार हमारा फुल फॉर्म पूछा गया था। ओके, काफ़ी बच्चे हैं जियो, GTPL, एयरटेल, जियो फाइबर, आइडिया एंड जियो, ठीक है। तो ये आपके सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, और सर्टेन सर्विस प्रोवाइडर्स में कुछ सर्टेन वेबसाइट्स ब्लॉक्ड होती हैं, जैसे कोई चाइनीज़ वेबसाइट जैसे शीन वगैरह है, तो ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए जियो उसको ब्लॉक करता है लेकिन कोई है जो कि उसको ब्लॉक नहीं करता है। तो ये आपके ISP के ऊपर है कि किस चीज़ को ब्लॉक कर रहा है, किस चीज़ को नहीं कर रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली जो इंटरनेट है वो आपका उस ISP से होकर के आ रहा है। तो यहाँ टेक्योन भी है भाई, एयरटेल है, जियो है, जियो फाइबर है, SNTPL, काफ़ी सारे, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है TCP/IP का, इसको ज़रा हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। TCP का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट हैं IP और TCP। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का मतलब है कि जिस प्रोटोकॉल से ट्रांसमिशन होता है। अब प्रॉब्लम आती है कि ये प्रोटोकॉल क्या है। प्रोटोकॉल का मतलब है सेट ऑफ रूल्स, यानी कि हिंदी में बोले तो सरल एक शब्द तरीका। हर चीज़ को करने का तरीका अलग अलग होता है। अगर आपको एक गिलास पानी चाहिए, आपके सामने एक छोटा बच्चा है तो आप उसको बोलते हो बेटा एक गिलास पानी दो। अगर आपके सामने कोई एजेड व्यक्ति है तो आप बोलते हो कि आप प्लीज़ एक गिलास पानी दे देंगे। और अगर आपके सामने एक आपका क्लोज दोस्त है तो आप बोलते हो अरे यार एक गिलास पानी देना। तो आप देखते हो बात आप सेम कह रहे हो कि आपको एक गिलास पानी चाहिए, लेकिन तरीके अलग अलग हैं। उसी तरीके से जो मशीनें हैं जब वो एक दूसरे से आपस में कनेक्ट होती हैं या आपस में बात करती हैं तो अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से उनके प्रोटोकॉल या तरीके अलग अलग होते हैं। तो ये प्रोटोकॉल शब्द तो आपको बहुत सुनाई देगा। ईमेलिंग की भी हम लोग बात करेंगे तो उसमें SMTP, POP, IMAP वगैरह के अलग अलग प्रोटोकॉल्स होंगे। तो प्रोटोकॉल का मतलब सिर्फ इतना ही है कि मशीनों का एक तरीका, एक प्रकार का वे ऑफ कम्युनिकेशन, सेट ऑफ रूल्स जिनका वो प्रयोग करके एक दूसरे से बात कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बेसिकली बात करें इंटरनेट की, तो इंटरनेट का सिंपल इतना मतलब है कि सारे कंप्यूटर जुड़ गए, बस सारे कंप्यूटर जुड़ गए, ये इंटरनेट है। तो आज जो आप इंटरनेट की बात करते हो, यार मैंने जियो में इतना पैक भरा या 2 GB का, ये 2 GB क्या है? ये क्या है जियो का इंटरनेट या एयरटेल का इंटरनेट? इसका मतलब है कि आप एक ऐसे नेटवर्क में जुड़ने जा रहे हो जिसमें दुनिया के सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, उसी को हम लोग कहते हैं इंटरनेट। तो ध्यान देना, जैसे मान लो कि ये आप हैं, ये आपका डिवाइस है, ठीक है, और आपको खोलना है फेसबुक। तो यहाँ फेसबुक का जो सर्वर है वो एक प्रकार का कंप्यूटर ही है। अब अगर आप फेसबुक से कांटेक्ट कर रहे हो, या अभी यहाँ पे मान लीजिए आप यूट्यूब पे ही वीडियो देख रहे हो, तो आप यूट्यूब के कंप्यूटर से कनेक्टेड हो, वहाँ से आप डेटा ले रहे हो, मेरा वीडियो आपके पास जा रहा है।
तो जो कंप्यूटर डेटा देने का काम करता है उसको हम लोग कहते हैं सर्वर। सर्वर का मतलब ये नहीं कि कोई कोई एक ऐसी मशीन है जिसको हम सर्वर कहते हैं। सर्वर एक प्रकार का कंप्यूटर ही है, लेकिन क्योंकि वो आपको सर्व कर रहा है, डेटा दे रहा है, तो इसलिए उसको हम लोग कहते हैं सर्वर। और आप कहलाते हो क्लाइंट। आप यूट्यूब के पास गए, आपने कहा कि भाई मुझको ये वीडियो देखना है, तो आप क्लाइंट हैं। तो इस प्रकार से ये जो संबंध है दो कंप्यूटर के बीच का, आदान प्रदान का, इसको क्लाइंट और सर्वर का रिलेशनशिप कहते हैं। अब जब ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो कुछ सर्टेन प्रोटोकॉल तो यूज़ करेंगे ना भाई, कोई तरीका तो होगा इनका बात करने का। इस तरीके को हम लोग कहते हैं TCP, यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। सर्वर और क्लाइंट जो हैं TCP के तहत ही एक दूसरे से संवाद स्थापित कर पाते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं IP क्या होता है। तो अब भाई ये जो क्लाइंट और सर्वर हैं, अब भाई करोड़ों अरबों डिवाइसेस जुड़ी हुई हैं आजकल इंटरनेट पे, लेकिन ये क्लाइंट और सर्वर एक दूसरे को डेटा कैसे पहुंचा पाते हैं, क्योंकि हर एक कंप्यूटर का अपना एक IP होता है। IP का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल या IP एड्रेस होता है। तो जो क्लाइंट का IP है वो दुनिया में जितने भी डिवाइसेस उसका IP नहीं है, क्लाइंट का एक यूनिक IP एड्रेस है। उसी तरीके से सर्वर का भी एक यूनिक IP एड्रेस है। इस एड्रेस के वजह से ही ये एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। ठीक उसी तरीके से कि आपके घर का एक यूनिक एड्रेस है, उसी वजह से आपके अमेज़ॉन और स्पीड पोस्ट वगैरह आपके घर पे पहुंच पाते हैं, कम्युनिकेट हो पाता है। तो उसी तरीके से इन दोनों का अलग अलग इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है, जिसकी वजह से एक दूसरे से संवाद स्थापित कर पाते हैं। तो TCP का मतलब है क्लाइंट सर्वर जो आदान प्रदान करते हैं वो TCP के द्वारा होता है, और इनके जो यूनिक एड्रेसेस होते हैं क्लाइंट और सर्वर के, उसको हम लोग IP कहते हैं। ठीक है, तो सेंडर रिसीवर तो है बेटा, लेकिन फिर मैंने बोला ना, बोलने का जो तरीका है वो हर सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट बदलता है। तो सेंडर रिसीवर ना बोल के इसको हम लोग क्लाइंट और सर्वर कहते हैं, जो कि सेंड और रिसीव करते हैं डेटा को। ठीक है, चलो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बात करते हैं FTP यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की। तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल अगेन एक प्रकार का प्रोटोकॉल है, जब आप इंटरनेट पे फाइल का ट्रांसफ़र करते हो तो वो FTP कहलाता है। फाइल का आदान प्रदान करोगे तो FTP कहलाएगा, इसको आपको याद कर लेना है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाँ, VPN यूज़ करके IP एड्रेस निश्चित रूप से चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे कोर्स में नहीं है, VPN नहीं आता है। जब साइट लोड नहीं होती तो सर्वर में प्रॉब्लम है, कहीं पे भी प्रॉब्लम हो सकती है जब साइट लोड नहीं हो रही। आपके इंटरनेट में भी हो सकती है, आपके ISP में भी हो सकती है, आपके डिवाइस में, आपके खुद क्लाइंट डिवाइस में भी हो सकती है, और जो सर्वर है निश्चित रूप से वहाँ पे भी हो सकती है। इसलिए आप देखते हो जब बैंक में आप जाते हो और उनका कंप्यूटर काम नहीं करता है तो क्या कहते हैं, कोई बताएगा बच्चा कमेंट में? इससे आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, चलो अगला टॉपिक हम लोग यहाँ पे बात करते हैं GIF का। GIF का फुल फॉर्म है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक है, तो ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट का क्या मतलब होता है? ये एक प्रकार का फाइल फॉर्मेट है। तो पहले हम लोग फाइल फॉर्मेट समझ लेते हैं क्या होता है। हाँ, तो बैंक में कहते हैं सर्वर डाउन है, सर्वर कह रहे हैं सर्वर लंच टाइम। अच्छा, ओके, लिंक फेलियर। सर्वर कहते हैं ना, सर्वर नहीं आ रहा, कहीं पे भी आप बिजली का बिल जमा कराने गए, बैंक गए, कहते सर्वर नहीं आ रहा। सर्वर नहीं आने का मतलब क्या कि आप मतलब उनका जो कंप्यूटर है वो क्लाइंट है, और जिस कंप्यूटर से वो कनेक्शन स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं वो कंप्यूटर डाउन है, वहाँ से कनेक्शन नहीं बन पा रहा है। ठीक है, हाँ, तो ये फाइल फॉर्मेट है, ये हमारा इमेजेस के लिए यूज़ होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे आप कोई इमेज, आपके कंप्यूटर में कोई इमेज पड़ी है, आप उस पर डबल क्लिक करते हो, कर्सर ले जाते हो, डबल क्लिक करते हो, वो इमेज बड़ी हो करके खुल जाती है। तो वो कैसे कंप्यूटर को पता कि ये इमेज ही है, ये वीडियो नहीं है या ये सॉन्ग नहीं है? कैसे कंप्यूटर को पता चलता है कि ये इमेज ही है? इसके देखिए, कोई भी आपकी जो फाइल है वो 0 और 1 के डिजिट में ही है, एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा है, डिजिटल है। तो ये जो डिजिट्स हैं 0 और 1 की, इनको लिखने के, इनको रखने के सर्टेन तरीके होते हैं।
और जिस तरीके से वो इमेज रखी गई है, जिस तरीके से ये 0 और 1 के डिजिट को जो व्यवस्थित किया गया है, उसी से ये डिसाइड होता है कि ये इमेज है, सॉन्ग है, वीडियो है या क्या है। और फाइल जो भी आपकी बनती है, मान लो इस फाइल का नाम है ए, तो ए के आगे अगर मान लीजिए ये फाइल एक्सटेंशन लगा हुआ है GIF, तो GIF एक फाइल फॉर्मेट है। फॉर्मेट का मतलब एक तरीका है डिजिट्स को, आपके डिजिटल डेटा को व्यवस्थित करने का। और GIF किस प्रकार का फाइल फॉर्मेट है? ये इमेज को व्यवस्थित करने का फाइल फॉर्मेट है। तो आगे के लेसन्स में हम लोग जानेंगे जितने भी हमारी मल्टीमीडियाज होती हैं, जैसे हमारा इमेज है या हमारा वीडियो है या हमारा कोई ऑडियो है, इन सबको व्यवस्थित करने के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग फाइल एक्सटेंशंस होते हैं। एक्सटेंशन का मतलब कि आपके फाइल के आगे जो एक्स्ट्रा नाम लिखा रहता है। अगर लिखा हुआ है a.pdf तो ये एक टेक्स्ट फाइल होगी। अगर लिखा हुआ है a.mp3 तो ये एक सॉन्ग की फाइल होगी। अगर लिखा हुआ है a.mp4 तो ये एक वीडियो फाइल होगी। तो ये यही फाइल फॉर्मेट है जो बताते हैं कि ये फाइल एक्चुअली कौन सी मल्टीमीडिया है। और इसी से कंप्यूटर को या आपकी डिवाइस को भी पता चलता है कि इसको किस ऐप के साथ खोला जाए। तो जैसे MP3 सॉन्ग पे आप क्लिक करोगे तो साउंड आपका ऑडियो प्लेयर खुलेगा, MP4 पे वीडियो प्लेयर खुलेगा, PDF पे आपका PDF व्यूवर खुल जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से जो GIF है, एक प्रकार का ये इमेज फॉर्मेट होता है, और ये इमेज जो होती है बेसिकली एनिमेशन के लिए यूज़ होती है। तो आपने व्हाट्सएप पे देखा होगा एनिमेटेड इमेजेस को, कि कोई एक्सप्रेशन जो है उसको आप जब अपने दोस्त को भेजते हो तो इमेज जो होती है वो बार बार रिपीट होती रहती है। तो GIF का मतलब है कई सारी इमेजेस को जब एक साथ रख दिया जाता है और वो एक एनिमेशन बना देती है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो हमारे पास अलग अलग प्रकार के एक्सटेंशंस या फाइल फॉर्मेट्स होते हैं जिनकी हम लोग आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे। ठीक है, सेम उसी तरीके से JPEG होता है जिसका फुल फॉर्म ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट है। फिर BMP भी एक प्रकार का इमेज फॉर्मेट है जिसका फुल फॉर्म बिट मैप इमेज होता है। और अब हम लोग बात करते हैं IoT की। IoT का फुल फॉर्म है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो कि पिछली बार पूछा गया था। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का क्या मतलब है, इसको ज़रा ध्यान से समझना। एक हमारा होता है इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट का मतलब है कि अगर आपका कंप्यूटर या डिवाइस इंटरनेट से जुड़ी है, इसका मतलब कि वो करोड़ों अरबों जो डिवाइसेज हैं उसके साथ जुड़ चुका है। ठीक है, जो प्लस पे बेसिक मैथ्स का कोर्स है वो फुल आपका बेसिक मैथ्स कवर हो जाएगा उससे। उसको आप ज़रूर से देखिए अगर आपका मैथ्स कमज़ोर है। स्टार्टिंग से हमने बात करी है, गुणा भाग से लेकर के उसमें हमने बात करना स्टार्ट किया हुआ है। इंटरनेट ये है जिसमें काफ़ी सारे डिवाइसेस जुड़े होते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ डिवाइसेस अपना ही एक कनेक्शन बना, अपना ही एक नेट कनेक्शन बना दें, मान लीजिए चार पांच डिवाइसेस आपस में जुड़ी हुई हैं, ठीक है जी, और ये पूरा कनेक्शन इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, ये हमारा कहलाता है IoT या इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आप सबने टीवी पे एलेक्सा का ऐड देखा होगा कि एक आदमी है, उसकी वाइफ है, वो लैपटॉप पे बात कर रहे हैं तो उसकी वाइफ सो जाती है, ठंड ज़्यादा हो जाती है, तो वो आदमी क्या करता है कि पीछे वेटर आता है, उसको बोलता है आवाज़ मत करना, और वो खुद ही अपने फ़ोन से कुछ कंट्रोल करता है, ठंड ठंड वगैरह कम करता है, ऐसा कुछ ऐड आता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है IoT का। तो IoT का क्या मतलब है, सबसे पहले एक बल्ब है, ठीक है जी, इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हो अपने फ़ोन से। फिर एक है हमारा AC, AC को भी आप ठंड लग रही है भाई AC कम कर दे रहे हो। फिर है आपका खुद का फ़ोन, और क्या है, फिर एक है एलेक्सा, और ये सारे मिलकर के किससे जुड़े हैं, इंटरनेट से। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब है जो सारी थिंग्स हैं, थिंग्स मतलब बल्ब, AC, फ़ोन, एलेक्सा, ये सारे इंटरनेट में जुड़ गए हैं। तो अपना इन्होंने एक नेटवर्क बनाया है, और नेटवर्क इंटरनेट से जुड़ा हुआ है कि आप अपने फ़ोन से AC को कंट्रोल कर सकते हो, या अलेक्सा को बोल दो अपने मुंह से तो ये बल्ब या AC को कंट्रोल कर देगा। तो ये आपस में जुड़े हुए हैं और एक तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये IoT के एग्जाम्पल्स हैं कि कई सारी डिवाइसेस मिल करके इंटरनेट से जुड़ी हुई, इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाती हैं। उसी तरीके से जैसे आप लोग अमेज़ॉन वगैरह पे जब शॉपिंग करते हो तो आप देखते हो कि आपको पल पल की खबर मिलती रहती है। तो क्या होता है भाई, सबसे पहले क्या होता है, ऑर्डर
आप प्लेस करते हो, फिर क्या होता है, आपको नोटिफिकेशन मिलती है ऑर्डर पैक हो गया है, फिर क्या निकलती है, ऑर्डर जो है वो शिप हो गया है, फिर क्या नोटिफिकेशन मिलती है, ऑर्डर आपका आउट ऑफ डिलीवरी है। तो ये जो अपडेट हो रहा है ये भी IoT का एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो जैसे मान लो, जैसे आप ऑर्डर प्लेस करके जब पैक हो रहा है, तो वो पर्सन क्या करता है कि वो उसके पास जब भी देखिए, मान लीजिए जो कोरियर होता है, कोरियर के पास जब पैकेज आता है तो उसके पास एक गन होती है, उससे वो स्कैन करता है। तो जैसे ही स्कैन करता है वो ऑनलाइन चली जाती है चीज़, और आपके ऐप पर दिखाने लगता है कि कोरियर पर वो चीज़ जा चुकी। और जब वो चीज़ एक शहर से दूसरे शहर जाती है तो सेम स्कैनिंग होती है। तो कभी आप अगर अपना शिपमेंट ट्रैक करो तो दिखाता है कि भाई पहले लखनऊ आया, फिर बनारस आया, फिर दिल्ली आया, फिर यहाँ आया। तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब जब वो एंट्री करता है कोरियर के अंदर, उस गन से उसका बारकोड स्कैन किया जाता है, वो अपने आप इंटरनेट में अपडेट हो जाता है। और जब आउट ऑफ डिलीवरी होता है तब भी वही चीज़ होती है, आपके शहर में जब पैकेज वो बाहर आता है तो जो जो पैकेज बाहर आ रहा है वो सब स्कैनिंग हो करके आता है, तो फिर आपके डिवाइस पे दिखाने लगता है कि ये चीज़ आउट ऑफ डिलीवरी हो गई है। तो वो पैकेज जहाँ जहाँ जा रहा होता है कुछ सर्टेन डिवाइसेस के ज़रिए उसकी लोकेशन को ट्रैक करके इंटरनेट पे डाला जा रहा होता है, जिससे आपको उसकी खबर मिलती रहती है। ठीक है, बिल्कुल। गूगल असिस्टेंट, अलेक्सा, सीरी, कोर्टाना अगर आप यूज़ करो जो विंडोज़ में आता है, ये सारे एक तरीके से वॉइस कमांड के एग्जांपल्स हैं। और वॉइस कमांड को आप इंटरनेट IoT से कनेक्ट करके काफ़ी डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो ये IoT है यहाँ पे कि नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, जो भी ऑब्जेक्ट्स या मशीनें हैं, सेंसर्स, सॉफ्टवेयर्स वगैरह जो हैं, उनको मिला करके आप एक साथ प्रयोग कर पा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इनकी हम लोग ने बात कर ही ली है कि स्टेटमेंट वन कह रहा है ALU का फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और UPS का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म पावर सोर्स। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यूनिफॉर्म का UPS का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेबल पावर सोर्स। ठीक है, और ये सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस भी हम लोग हर लेक्चर के एंड में देखेंगे, जैसे आज देख रहे हैं, तो कल हमारा एक लेक्चर होगा उसके एंड में अगेन हम लेटेस्ट PYQs देखेंगे। और ये बहुत मेहनत लगी है टू द पॉइंट नोट्स बनाने में, कुछ भी हम लोग नहीं पढ़ते कि इधर की भी बात कर रहे हैं, उधर की बात कर रहे हैं, कहानियाँ पढ़ रहे हैं, आता कुछ नहीं है एग्जाम में उससे। हम लोग टू द पॉइंट देख रहे हैं, जो जो चीज़ें पूछी जाती हैं उसके हिसाब से, देन हम क्वेश्चंस को भी यहाँ पे देख रहे हैं। तो आप देख सकते हो GUI आ चुका है यहाँ पे, GIF का फुल फॉर्म आ चुका है, ISP का फुल फॉर्म आ चुका है, IoT आ चुका है, वो सब चीज़ें जिसकी हम लोग ने टू द पॉइंट अभी बात करी है। ऐसे ही सारे लेक्चर्स में टू द पॉइंट बात करेंगे, बने रहिए। डेली 2 बजे हम लोग आते हैं YouTube पे, यहाँ पे ICT आजकल पढ़ रहे हैं, इसी तरीके से एक एक करके सारे जो लेक्चर्स हैं हमारे UGC नेट पेपर 1 के जो सेक्शंस हैं उनकी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, ये भी यूज़र इंटरफेस हुआ, ऑडियो यूज़र इंटरफेस, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, इसको ऑडियो यूज़र इंटरफेस बोला गया है या नहीं बोला गया है अलेक्सा वगैरह को। अगर टर्म बोला गया है तो ठीक है, आप अपने हिसाब से बना लें, तो अब क्या कहा जा सकता है। PYQs जितने आपको ईयर्स के मिले उतने आप करें, लेटेस्ट से स्टार्ट करें, और जितना आप लगाते जाएं पीछे तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितने आपको मिल जाए एक्सेसिबल हो आप लगा सकते हैं। ठीक है, 8-9 दिन ICT की क्लास चलेगी, उसके बाद CD-ROM का यहाँ फुल फॉर्म आया है, फिर यहाँ BIOS का फुल फॉर्म पूछा गया पिछले साल, और फिर ठीक है चलिए, इतने सारे फुल फॉर्म्स थे जिनकी हम लोग ने बात करी है। और अगले लेक्चर में हम लोग कुछ और एडवांस चीज़ों की बात करेंगे, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वगैरह के बारे में जानेंगे, नंबर सिस्टम कन्वर्जन जानेंगे, सरल शब्दों में, कोई कठिन टर्मिनोलॉजी या कठिन शब्दार्थ का प्रयोग ना करके बहुत सरल भाषा से जानेंगे ह्यूमन बॉडी का, ह्यूमन ब्रेन का एग्जाम्पल लेके कि आखिर कंप्यूटर कैसे काम करता है। तो अन अकेडमी पर सब्सक्रिप्शन लेने के लिए KB10 का कोड का प्रयोग जरूर से करें, इस रेफरल कोड से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें अगर अभी तक नहीं करा है, और इसके अलावा इसको शेयर भी ज़रूर से करें अपने दोस्तों से, तो काफ़ी बच्चों को ये जानकारी फ्री में मिल जाएगी। तो फ्री में आपको अवेलेबल हो रहा है, ऐसा मत समझिएगा कि अरे फ्री में है ये तो बेकार ही होगा, भाई आपको 100% प्योर और इम्पॉर्टेंट नॉलेज मिल रही है, फ्री में मिल रही है बात अलग है, इसका फ़ायदा उठाना है आपको। मेरा कर्तव्य है आपको नॉलेज देना, मैं अपना 100% निभा रहा हूँ, अब आपके ऊपर बात है, आप अपना कर्तव्य निभाओ, आप अपना 100% दो। और ठीक है, कल फिर हम लोग मिलेंगे 2 बजे और आगे की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है।
ठीक है, वॉइस यूजर इंटरफेस कहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया है, फिर वी यू आई इसको कहते हैं, और अभी तक ये नेट में नहीं पूछा गया है, बट अच्छी नॉलेज चाहिए भी। ठीक है, तो चलिए गाइस बाय बाय, मिलते हैं कल 2 बजे और